तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में किरण जी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में वर्कबुक के बारे में। हमने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया सर, मेरा रिकॉर्ड सर मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। पर मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे देता हूँ, हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है हमारा वर्क शीट, तीसरा होता है हमारा तीसरा होता है वर्कबुक, दूसरा होता है वर्कबुक बुक्स, और तीसरा होता है आपका शीट, और चौथा होता है रेंज। चार मेन ऑब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग करते हैं इन्हीं चारों में से करते हैं, राइट। तो हम एप्लीकेशन होते हैं वर्कबुक को लेके चलते हैं। वर्कबुक का हम क्या क्या, चलिए इसके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम नया वर्कबुक कैसे क्रिएट करें। तो न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए यहाँ लिखेंगे workbooks.add, workbooks.add करेंगे तो ये हमारा नया वर्कबुक ऐड कर देगा। ओके तो यहाँ पे मैं करता हूँ workbooks.add, मतलब कि जो कंट्रोल एन हम लोग करते हैं यहाँ से और एक न्यू बजा के नया वर्कबुक ऐड करते हैं, वो वर्कबुक ऐड कर देगा। ऐड की वर्कबुक को हमें सेव भी करना पड़ेगा, राइट। तो करने के लिए यहाँ पे दो तरीका है। देखिए कोड लिखने का तरीका भी यहाँ समझ जाइए कि जब भी कोड लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर देते हैं ऑब्जेक्ट की डिटेल, जैसे कि हमारा वन डॉट xlsx विद पाथ, फिर देता हूँ एक्शन जैसे कि सेव एज। यहाँ पे एक्शन डिटेल्स की हमें इसको कहाँ पे सेव करना है, राइट। इसके बाद कोलन होगा ना? हाँ रिपीट करता हूँ, और यहाँ पे हमें कॉलम देना पड़ेगा। पूरी पाथ फॉर्मेट में दे सकते हैं आप, क्लियर है? तो ये हमारा आ गया वर्कबुक, फाइल नेम एंड सेव एज, और यहाँ पे हमारा आ गया पाथ, राइट। तो ये आपका वर्कबुक, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिटेल होता है, ये आपका मेंबर होता है, ये आपका मेंबर डिटेल होता है। अब इसमें बात आती है कि अब जैसे कि हमने यहाँ पे अब वर्कबुक जो हमने वर्कबुक खोला है उसी को सेव करना है, तो ये कोड आपको कोड लिखते समय सिचुएशन भी समझनी चाहिए। जैसे लैंग्वेजेस में हम जब बोलते हैं तो सिचुएशन भी समझ पता नहीं कि क्या सिचुएशन है, बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन सब समझा जाता है, तब उसकी मीनिंग हर मीनिंग में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है ना जी। तो उसी तरह से यहाँ भी सिचुएशन समझा होता है कि यहाँ पे अगर आपने वर्कबुक डॉट ऐड किया तो वर्कबुक बुक वन डॉट सेव एक कोड परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो वर्कबुक ऐड हुई है वो बुक वन ही होगा, बुक तो बुक फाइव हो सकता है। अब इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारे पास फाइल का नेम नहीं पता है, क्योंकि फाइल नेम हर बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब भी मेरा फाइल ऐड होता है तो एक्टिवेट होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहां पे पाथ देंगे। तो एक्टिव वर्कबुक तब कब लेंगे जब आपको फाइल का नाम पता नहीं लेकिन इतना पता है कि आपका फाइल एक्टिवेट है, ठीक है। तो यहां पे जैसे कोड कोड लिखने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल, मेंबर एंड मेंबर डिटेल। तो मेंबर ऑब्जेक्ट डिटेल और मेंबर डिटेल हर किसी में डालने की जरूरत नहीं, जैसे कि वर्कबुक डॉट ऐड, राइट। तो वर्कबुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेंबर हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि लोकेशन और एक्शन कि कहां पे क्या करना है। अच्छा तो यहाँ वर्कबुक वर्कबुक्स डॉट ऐड कर दिया, तो इससे पता चल गया कि एक नई वर्कबुक लेना है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट और किसी एक्शन की जिक्र नहीं है। ओके उसी तरह से यहाँ भी एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज है, तो इसमें देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है, एक्टिव वर्कबुक इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, वो फिक्स ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, बट एक्शन सेव एज हमें डालना पड़ेगा, क्लियर है सर। मैं अब इसमें एक बात आती है कि अगर आप पता है आपको कि मुझे वर्कबुक ऐड करके सेव करनी है तो डायरेक्ट आप ऐड की करके सेव कर सकते हो। आप लिखोगे यहां वर्क
बुक्स डॉट एट डॉट सेव एच, यहां पे आप पाथ दे दीजिए जो भी पाथ होता है. डायरेक्टली ऐड करके सेव ही कर ले. तो वर्कबुक को क्रिएट करना, उसको सेव करना, सेव एज करना, समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्कबुक को ओपन कैसे किया जाए. तो वर्क बुक्स, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो ऑब्जेक्ट एक्सेल लाइब्रेरी में नहीं है, कहीं और है. जब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी उसकी डिटेल्स आपका एप्लीकेशन पिक नहीं कर पाएगा. इसलिए यहां पे वर्कबुक्स डॉट ओपन लिखेंगे और कौन सी फाइल ओपन हुई है उसका पाथ हम यहां दे देंगे. अब जब भी आप ऑब्जेक्ट एक्शन डिटेल्स डालते हैं तो यहाँ पे नीचे आपका सिंटैक्स आता है जैसे फॉर्मूले में आता था. तो आप दो चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या है. जैसे फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, आपको समझ गया कि फाइल का पाथ और नेम देना है. लेकिन ये अपडेट क्या होता है, पता आपको अपडेट क्या होता है? नहीं, ये भी पता होना चाहिए आप. इसलिए मैं अपने जितने भी जो न्यू लर्नर्स है उसको बोलता हूँ कि VBA सीखने से पहले एक्सेल को अच्छे तरीके से कीजिए. ये अपडेट लिंक होता है, एक फाइल में दूसरे फाइल का लिंक करते हैं. मतलब कि एक फाइल के अंदर जो फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है उस फॉर्मूले ने में आपने किसी और फाइल का लिंक किया हो, वो फाइल उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है. तो जब भी आप फाइल ओपन करेंगे आपसे लिंक को अपडेट करने का पूछेगा. तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है तो यस, अदरवाइज यस नहीं, क्लिक करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर सकते हैं. लेकिन डालना जरूरी नहीं है. लेकिन जाना जरूरी नहीं है, मैं फाइल में पासवर्ड है, मुझे पासवर्ड डालना है. तो आप इसको कर सकते हैं, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, देखिए स्किप हो रहा है ना. तो इस तरह से स्किप कर सकते हैं. जैसे मेरा अगर कोई फाइल पासवर्ड से मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ है और मुझे उसको ओपन करना है तो उसका ये सिंटेक्स है, मुझे ऐसे का पाथ देके फिर कॉमा कॉमा करके स्किप करके वो पासवर्ड देना है. हाँ, मतलब कि जे इसके अंदर वो सारे ओपन हो जाएगा, इतने सारे इनपुट्स है तो इसमें आपको जरूरी, देखिए यहाँ पे जो है फाइल एज ए स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, इसमें किसी तरह का बड़ी ब्रैकेट नहीं है, या क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन से बड़ी ब्रैकेट कहते आ रहे हैं. बड़ी ब्रैकेट जो ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है. इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड है, मतलब इसको डालना ही पड़ेगा. लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सिर्फ इसी कोड के लिए नहीं, किसी भी कोड के लिए, यहाँ तक एक्सेल फॉर्मूले में भी ये रूल्स एप्लीकेबल होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो आपका. सर आपका आवाज बहुत कट रहा है. मैं बोला जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो हमारा ऑप्शनल है. सर हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ. सर ये रेड ओनली क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन जो रहता है बहुत जगह. हाँ सर आपका आवाज बहुत कट रहा है. मैं बोल रही हूँ हर जगह मैक्रो भी कभी कभी जैसे मेरा डिसेबल रहता है ऑप्शन में, तो ये रीड ओनली ऑप्शन आता है. ये रीड ओनली ऑप्शन क्या होता है? रीड ओनली ऑप्शन ये होता है कि फाइल को आप सेव नहीं कर सकते, फाइल को आप देख सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर दीजिए, बट वो चेंजिंग सेव नहीं होगा. अच्छा ठीक है, वो आपके चेंजिंग जो है सेव नहीं होगी. क्लियर है? हाँ सर. चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं. तो आपने फाइल ओपन हाँ. लिया और फाइल ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी. तो क्लोज दो तरीका है, अगर आपको फाइल नेम पता है वर्कबुक्स और इसके अंदर में आप फाइल नेम दे दीजिए कि बुक वन या डॉट एक्सएलएस एक्स जो भी हो डॉट क्लोज. और जब हम फाइल क्लोज करते हैं तो हमसे पूछता है डू वांट टू सेव चेंज.
अगर दीवान टू सेव चेंज पूछता है तो उसमें अगर सेव पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप कर दीजिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी वर्कबुक को क्लोज करने का ऑप्शन आपके सामने है कि हम ऑप्शन कर क्लोज कर सकते हैं। अब बात आती है क्लोज नहीं कर रहे हैं लेकिन एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाते हैं, जब लोग कंट्रोल टैब करते हैं ना, वैसे दो फाइल मुझे यहाँ एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, बुक टू पे जाना है, बुक वन से, तो उसके लिए कोड डालते हैं वर्क बुक्स और यहां पे देते हैं बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम जो भी डालना है डॉट एक्टिवेट। एक कोड होता है दूसरे फाइल को एक्टिवेट करने का, ठीक है, कॉमा देना पड़ता है बुक टू के बाद ही कॉमा होगा, नहीं कॉमा डॉट होगा, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, एक फाइल से दूसरे फाइल पे चले जाएंगे, मतलब कि एक पहली फाइल बुक वन हमारी डीएक्टिवेट हो गई और बुक टू हमारी एक्टिवेट हो गई, ठीक है। मतलब मैं जब टैप करूंगी मुझे पहले ये क्लोज वाला तो ये कोड आपस में कोई जिक्र नहीं है, एक्टिवेट मतलब कि पहले फाइल ओपन होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बुक टू ओपन है तभी एक्टिवेट कोड वर्क करेगा। अच्छा, अगर आपको आपको ओपन नहीं ओपन करना अच्छा। एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जब फाइल ओपन होगी वही एक्टिवेट होगी, ठीक है, ओके, फाइल ओपन होगी वही एक्टिवेट होगी। हाँ, क्लियर है, ओके, हाँ सर, आगे बढ़े, हाँ सर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। तो हम फाइल आप किरण ही बोलिए, मैम नहीं बोलना होगा। तो किरण जी इसमें क्या है कि आप जो है यहाँ पे किसी फाइल को एक्टिवेट करने का काम हम करते हैं, यहाँ से फाइल हो जाती एक्टिवेट होती है। अब बात करते हैं फाइल को जस्ट सेव करना है, मैं एक्टिव वर्कबुक है जो फाइल है उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ एक्टिव वर्क बुक डॉट हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो इस क्या करेगा आपको जस्ट सेव कर, ठीक है, फाइल को जस्ट सेव कर देगा, कंट्रोल एस दबाकर सेव कर देगा। उसके बाद अगर फाइल को मुझे पासवर्ड डालनी है तो यहाँ पे अगर अब देखिए मैं एक्टिव वर्कबुक ले रहा हूँ, तो एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक में से कोई भी ले सकते हैं, वो अपनी सिचुएशन पे डिपेंड कीजिएगा। अगर आपकी फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक, अगर नहीं कोई पर्टिकुलर फाइल है तो आपका ए मेथड लेना यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट में यहाँ हम अपना प्रोटेक्ट में पासवर्ड डाल देते हैं, तो कौन सा प्रोटेक्ट करेगा, ये आपके सीट के अंदर जब सीट पे आप जाते हैं तो सीट के अंदर आपका रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में आपका प्रोटेक्ट सीट है, तो ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक को ट्रिगर करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी ओपनिंग पासवर्ड डाले तो उसके लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड और यहाँ पे इक्वल हम पासवर्ड डाल देंगे, राइट, एक्टिव डॉट पासवर्ड। मुझे यही चीज समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे स्पेस दे यहाँ पे इक्वल क्यों दिए थे, मैं यही चीज समझाने वाला हूँ, समझाए थे हाँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ इस चीज। देखिए
जो ये आपका मेंबर जो होता है दो तरह के होते हैं, ये एक्शन कर लीजिए या मेंबर कर लीजिए, दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्या बोलते हैं मेथड. मेंबर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। अच्छा जो प्रॉपर्टी होता है उसमें हमेशा इक्वल होता है, और जो मेथड होता है उसमें स्पेस होता है। उसको जानने का दो तरीके हैं। पहला है कि जैसे स्पेस मारोगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, मेथड प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। दूसरा, जब आप डॉट लगा के यहां करेंगे तो जिसपे हैंड का निशान है ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल लगेगा, और जिसमें ग्रीन बॉक्स रेक्टेंगल है इसमें आप नहीं लगेगा। एक सेकेंड, मेरा फोन आ गया उसका। तो ये समझ में आ गया मैम कोड आपको? हाँ ये आपका जो वर्कबुक होता है, वर्कबुक के ऊपर ये सारे वर्क होते हैं। ये सारे कोड को जो है आप वन बाय वन सिंगल सिंगल एक साथ यूज मत कीजिएगा, अपना वर्क नहीं करेगा, इसको यूज कर लीजिए। जब हम कल आपको इससे इसके रिलेटेड जो एक कराएंगे क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्ट कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? हेलो, सर. तो इस कोड को इंडिविजुअली आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगली क्लास में, कल की क्लास में हम ये आपको इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट में आपको हर एक चीज क्लियर कर अच्छा, दूंगा, ठीक है? लेकिन इसको इंडिविजुअली रन ओके ओके कीजिएगा, एक साथ रन मत कीजिएगा, एक एक नोड को रन करके समझिए, इसमें ओके सर. वेरिफिकेशन कीजिए। एक कोड में आपको ऐसे मेल कर देता हूँ ताकि आपको एज ए सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, ठीक है जी? मैं सुजीत बात कर रहा हूँ, देव का फादर। मैंने केक ऑफिस में भिजवाया है, उसे ऑफिस रिसीव कर लीजिए, ठीक? चलिए, केक पहुंच गया मेरे बेटे के स्कूल में। ओके, उसको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा. थैंक यू। मैं एक भेज देता हूँ मेरा आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ ओके, आपको मेल आएगा थोड़ा देर में। मेल पे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। किस सिस्टम से कीजिएगा इसको? या फोन से कीजिएगा? आप क्लास जो ज्वाइन कीजिएगा सिस्टम से कीजिएगा।